चलो चलो चलो, मैं आ लोगों ने कभी मेरी लाइट नहीं देखी ना, पटाखे छूट रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं छत पे और मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ एक सैंपल वीडियो, आप कह सकते हैं कि हम डांस वीडियो कैसे शूट करते हैं। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो मैं छत पे आ गई हूँ। डांस वीडियो इनकी शूट हो रही है। मैं इनका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ आपको। ये है रॉबिन का कंप्लीट लुक डांस वीडियो के लिए। अभी ईयरबड्स लगाऊं कान में? अच्छा, आपने अच्छा, इसमें मैं सोच रहा था यहाँ फिर लाइटिंग में नीचे कर लूँ क्या? नहीं नहीं, यही ठीक है। बैकग्राउंड बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, और लाइटिंग का भी एकदम परफेक्ट है। पटाखे छूट रहे हैं। ये लो, आप सॉन्ग सिलेक्ट करो। चलो चलो चलो, मैं आ रही हूँ, एक मिनट में आ रही हूँ। हमने ऊपर शूट किया, बहुत ट्राई किया, इधर भी बैकग्राउंड ट्राई किया, इधर भी ट्राई किया, लेकिन शाम का वक्त हो गया, लाइटिंग बहुत लो हो गई है, 6 बजने वाले हैं। यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस वजह से बिल्कुल भी, ये देखो चंदा मामा भी निकल आए, तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से ड्रेसिंग की है, चीज़ें करी हैं, उस हिसाब से लुक लाने के लिए हम नीचे वीडियो बनाएंगे अपनी लाइट के साथ। आप लोगों ने कभी मेरी लाइट नहीं देखी ना, मैं दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी लाइट है, बहुत बड़ी लाइट। अरे मेरा पायदान यहाँ बिछा रखा है, ये मेरे हस्बैंड जी की काम है। कपड़े धो के ऊपर सुखाने भेजा था, क्योंकि मैं वजन लेके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती। मैं कुछ भी लेके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, सीढ़ियाँ भी बहुत कम उतरती चढ़ती हूँ अभी। चलिए मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ हम लोग कैसे शूट करते हैं। रॉबिन पहले सॉन्ग का कैप्शन सिलेक्ट करेंगे, सॉन्ग में जाकर रिमिक्स करके उतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कोरियोग्राफी करेंगे, यानी कि सॉन्ग को खुद से सुनेंगे, उसकी बीट को, उसके म्यूजिक को समझेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूँगी वीडियो, मैं शूट करूँगी। ये पायदान देखो आप ऊपर छोड़ आए थे, आपसे मैं कह रही थी ना, पायदान है ना हमारा एक और भावना को। ये देखो, ये है मेरी लाइट, पर ये लुक जो आ रही है इसमें फोन में, ये ऐसे कर नहीं रही है, ये फोन में आ रही है। स्टेबिलिटी बाद में दिखाएगा, वो सब चीजें दिखा देगा ये ना, अगर आप लाइटिंग पे लगाओगे डायरेक्ट है ना, तो ऐसे आती आते मेरे फेस पे लगाओ। हाँ, ये देखो नीचे का आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे और ये यहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का ना। ये मेरी बहुत बड़ी लाइट है, जो मैंने जब स्टूडियो बनाया था, यूट्यूब स्टूडियो, तब खरीदी थी। चलो रॉबिन स्टार्ट करें। ये है रॉबिन का बैकग्राउंड। रॉबिन बैकग्राउंड में पायदान और बोतल रह गई है, पायदान और बोतल रह गई है बैकग्राउंड में। यहाँ सूट बच्चों ने टीवी चला रखा है, उसका तो साउंड आना ही नहीं है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक आप सिलेक्ट करो, लो आओ। हाँ जी, नहीं बेटा छत पे रोशनी अच्छी नहीं है, और चींटियाँ आ रही हैं, इसलिए पापा झाड़ू लगा रहे हैं, कभी चींटियाँ पैरों के नीचे आ जाएं। मर्जी है आपकी, आप लोगों को भी सुनाई देना चाहिए, उतनी कम मत करना, ऐसा कर लो जो हमें भी डिस्टर्ब ना करे और आपको भी टीवी सुनाई दे। फाइनली डन। देखो रॉबिन को पसीना आया हुआ है। रॉबिन ने 2 से 3 बार शूट किया है, तीनों बार हमने शूट करके रख लिया है। अब उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो हम लोग पोस्ट करेंगे। छुटकी रोई, वो हम लोग पोस्ट करेंगे। बेटा खोल दो,